2 साल की बेबी की फ्रॉक कटिंग कर रही हूँ, और इसमें मैंने इसकी लंबाई जो है वो 20 इंचज ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 14 इंचज ली है। और 14 इंचज लेने के बाद 2-2 इंच पे मैंने मार्क किया है। मार्क करके ये सारी पट्टियाँ 2-2 इंच की ऐसे सारी कटिंग कर लूँगी। इसकी 2-2 इंच की सारी पट्टियाँ जो है वो कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे करके मैंने इसकी 20 इंचज लेंथ और 14 इंचज विड्थ वाले कपड़े की मैंने ऐसे पट्टियाँ काट ली हैं लंबाई में। इसके बाद मैं अब इसके अंदर 6 कलियाँ आगे और 6 पीछे डालूँगी, वो मैं कटिंग करने लगी हूँ। वो कटिंग करने लगी हूँ। ये कपड़ा लिया है मैंने, इसकी तकरीबन मैं लंबाई 12 इंच कली लूँगी, तो इस वजह से मैं इसकी 13 लंबाई रख के इसकी कलियाँ कटिंग करने लगी हूँ। इसको मैं डबल कर लूँगी कपड़े को। पहली कली इसकी कटिंग करने के लिए मुझे कली की लेंथ चाहिए थी तकरीबन 12 इंचज, लेकिन मैं 13 और 14 ले रही हूँ। और इसकी मुझे चौड़ाई चाहिए तकरीबन 6 इंचज। पहली कली काटनी थोड़ी मुश्किल है, उसके बाद बाकी कलियाँ आसानी से कटिंग हो जाएंगी। के बाद बाकी कलियां इसी के ऊपर रख के हम दूसरी कली काटेंगे ऐसे। उसके बाद जो तीसरी कली काटेंगे ऐसे। इससे कपड़ा कम से कम जाया होता है, कलियों में कोई कपड़ा इतना ज़ाया नहीं होता। इसके बाद हम इसके बाद मैं ऐसे इसको रखूँगी। इससे कलियों में कम से कम कपड़ा ऐसे ही करते करते मैं 6 कलियाँ आगे वाली और 6 पीछे वाली कटिंग करूँगी। इसके बाद इन कलियों को मैंने नीचे से और ऊपर से बराबर कर लिया, इधर से साइडों से इन सबको इकट्ठे रख के। ये मेरे पास 12 कलियाँ हैं, 6 आगे लगेंगी और 6 पीछे लगेंगी फ्रॉक के, और ये फिर ऐसे आएंगे जी। ये जो पट्टियाँ हैं इनको आप ऐसे सिलाई कर लें साथ में ऐसे कलियाँ ऐसे करके, और एक एक पट्टी और बीच में से एक एक कली लेके ऐसे सिलाई करते हैं सारी ऐसे ऐसे करके। 6 कलियाँ आगे लगेंगी और पट्टियाँ 7 हैं, तो 7 पट्टियों के अंदर 6 जो कलियाँ हैं ये सिलाई करके मैं दिखाती हूँ फिर आपको। कलियों को जोड़ लिया इन पट्टियों के साथ, एक एक कली और एक एक पट्टी, और ये वाली शक्ल आ गई। अब यहाँ से इसके कंधे और गले की कटिंग होगी, और इन कलियों के ऊपर मैं
ये वाली डोरी ऐसे लगाऊंगी, फिर ये कलियाँ भी प्रोमिनेंट हो जाएंगी। ये सारी इसके ऊपर लगाऊंगी ऐसे डोरी, ये सारी इन कलियों के ऊपर। और यहाँ से ऊपर से मैं कंधे का नाप लेके कंधे की कटिंग और ये गला और यहाँ से बाजू की कटिंग करूँगी। आगे वाला गला थोड़ा डीप कर लूँ, अब इसके ऊपर ये वाले रिबन जो ये सिलाइयाँ हैं इन पे लगाने हैं, सिलाइयों पे लगा ताकि कलियाँ प्रोमिनेंट हो जाएं। ऐसे बनेंगे। अब यहाँ पे ये फूल भी लगाऊंगी ऐसे वाला, अगर ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे ऊपर भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा हो तो। कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ ये गला बनाऊंगी, इसका गला बनाऊंगी और बाजू कटिंग करती हूँ। बाजू कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, बाजू की कटिंग करूँगा। बाजू की कटिंग करने में मुझे जितनी इसकी लंबाई चढ़ाई चाहिए उतनी मैंने ले ली।
ट्राउजरों के ऊपर भी कोई ना कोई लैस लगाऊंगी, ये वाली लैस और साथ में ये वाला रिबन, ये वाली चीज़ें रखूँगी और साथ में ये बाजुओं के ऊपर लगाना है। ये अब सिलाई करके और ऊपर ये डोरियां लगा के रेडी हो गई है, ये जो कलियों वाली कट की थी। ये देखें ये रेडी हो गई है। और यहाँ पे ये फूल लगाएंगे, ऐसे रेडी करने के बाद इसके नीचे मैं ये लगाऊंगी, ये लटकाने के लिए। मुख्तलिफ चीज़ें लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो लगा सकते हैं। तो ऐसे मेरी फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। इसका जो ट्राउज़र है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाना दिखा रही हूँ, तो वो मैं कैसे बना रही हूँ तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि कैसा ट्राउज़र बनाया इसके साथ। अल्लाह हाफिज़।